तेजस्वी यादव अपनी पोल खुद खोलते हैं, पता चल जाता है जब वो बयान देते हैं कि वो बिहार में आ चुके हैं, पता चल जाता है कि तेजस्वी यादव नींद से जाग चुके हैं। हम वो लोग नहीं हैं केवल एक बयानवीर बनते रहे, हम अपने काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में शराबबंदी अब एक मखौल सा लगने लगा है, एक मजाक सा लगने लगा है। शराबबंदी का नाम सुनकर यही लगता है कि कोई मजाक हो गया, नीतीश कुमार ने जनता के सामने आके कोई चुटकुला सुना दिया हो जिसको सुनकर लोग हंसते नहीं, लोग रोते हैं। जी हाँ, ये पहले भी बात हम बोल चुके हैं क्योंकि जहरीली शराब से लोग मर गए थे। अब बात करते हैं आज के मुद्दे पर। बता दें, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव को एक बार फिर से घेरा है और नीतीश कुमार का साइड लिया है। उनका कहना है, नितिन नवीन का, कि तेजस्वी यादव अपनी पोल खुद ही खोलते हैं, और साथ साथ उन्होंने काफ़ी कुछ तेजस्वी यादव के बारे में कहा है और नीतीश कुमार का उन्होंने साइड भी लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। सर, बड़ी समीक्षा बैठक है और तेजस्वी यादव लगातार आप लोग के शराबबंदी अभियान का पोल खोल रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव अपनी पोल खुद खोलते हैं, पता चल जाता है जब वो बयान देते हैं कि वो बिहार में आ चुके हैं, पता चल जाता है कि तेजस्वी यादव नींद से जाग चुके हैं। और जहाँ तक हमारी विषय है, हम तो अपने विषयों पर हमेशा समीक्षा करते रहे हैं और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको दूर करते रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कल फिर इसकी समीक्षा हो रही है, काहे कहाँ पर कमियाँ रह गई, किन चीज़ों को हम और दुरुस्त कर सकते हैं। और सभी मंत्री समूह बैठेंगे तो निश्चित रूप से कई और सुझाव आएंगे और उन सुझावों के माध्यम से इस पूरे विषय को और सख्ती से कैसे लागू किया जाए, इस पर चर्चा हो। आपको क्या लगता है कहाँ लूपहोल है, पुलिस की कमी है? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग, विपक्षी लोग हैं, ये भी देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये समाज की विषय है और समाज के साथ साथ इसमें कहीं ना कहीं जो सरकार और प्रशासन है उसको कड़ाई से निपटना है। उसमें जहाँ जहाँ पर कुछ कमियाँ हैं उसको दुरुस्त करने के लिए समीक्षा बैठक होती है और ये एक अच्छी परंपरा ना है। हम अपने कामों की समीक्षा करते हैं, समीक्षा के उपरांत में जहाँ कमियाँ उसको दूर करने का काम करते हैं। हम वो लोग नहीं हैं केवल एक बयानवीर बनते रहे, हम अपने कामों को ही समीक्षा करते हैं और यही नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सरकार की कार्यशैली रही है। तो सुना आपने, नितिन नवीन का कहना है कि तेजस्वी यादव अपनी पोल खुद खोलते हैं और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, शराबबंदी को लेकर और कड़ा कानून बनेगा, इस पर समीक्षा बैठक भी होगी, नितिन नवीन का ये कहना है। पर इन सबके बीच सवाल ये आता है कि आखिर कब, आखिर कितना कड़ा कानून बनेगा, कब तक शराब के नाम पर राजनीति होती रहेगी और मौतें होती रहेगी। मौत का नाम यहाँ इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि आपको बता दें, गोपालगंज में जहरीली शराब से मौतें हुई थी, काफ़ी लोग मरे थे। जहाँ एक तरफ बिहार में जहाँ घर घर में दिए जल रहे थे, लोग जश्न मना रहे थे दिवाली के नाम पर, वहीं दूसरी तरफ एक जगह लोग रो रहे थे क्योंकि इसलिए जहरीली शराब से जो लोग मर गए हैं इस कारण से लोग रो रहे थे, जिसके बाद से इस पर काफ़ी सियासत हुई। चिराग पासवान ने तो गोपालगंज का दौरा किया था, वहाँ पे गए थे, उन्होंने परिजनों से बात की थी, डीएम को, बीडीओ को उन्होंने कॉल भी लगाया था कि इस पर कुछ कार्रवाई हो, मुआवजा दिया जाए। और साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी जहरीली शराब को लेकर नीतीश कुमार को जमकर घेरा था, उन्हें काफ़ी कुछ इतना ज़्यादा सुनाया था और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा था तेजस्वी यादव ने, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को एक बार फिर से घेरा था। हालांकि जब जहरीली शराब से मौतें हुई थी तो नीतीश कुमार का ये कहना था कि हम तो बस शराबबंदी करवा दी है लेकिन लोग पी के क्यों मर रहे हैं, उनका ये कहना था, नीतीश कुमार का खुद के बचाव में उनका ऐसा कहना था। लेकिन आपको बता दें, कल आरजेडी ने शराबबंदी को लेकर एक और खुलासा किया था। आरजेडी में जो एजाज अहमद है, वहाँ के प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता, उनका कहना था, एक तरीके से आरजेडी की तरफ से बात आई थी कि जो शराबबंदी है वो नीतीश कुमार ने नहीं, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने करवाई थी। जी हाँ, 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में थे, नीतीश कुमार जो थे वो लालू प्रसाद यादव और साथ साथ तेजस्वी यादव के साथ थे, तो उनका कहना था कि तब दोनों ने मिलकर, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने मिलकर नीतीश कुमार को कहा था कि वो शराबबंदी करवाए, जिस पे नीतीश कुमार ने हामी भरी थी, उनका ऐसा कहना था। लेकिन शराबबंदी का मखौल तो अब तक चल रहा है और इस पर कुछ प्रकाश नहीं डाला जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। पर आगे देखना होगा कि शराबबंदी पर और कितनी बयानबाजी होती है और कार्रवाई कितनी होती है। आप देख रहे थे डीटीवी भारत, धन्यवाद।